हेलो हेलो, माइक चेक, आवाज़ आ रहा है बराबर? हेडफोन यूज़ करें। सुनो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। SOI BCOM का जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, अकाउंट्स का एक टॉपिक है बेटा, जिसका नाम है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। याद करो, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग सोल ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं। सोल ट्रेडिंग में एक ही आदमी मालिक होता है, वही पैसा लगाता है, उसी को प्रॉफिट लॉस होता है। कुछ लोग बिजनेस और एक्सपांड करते हैं, ज़्यादा लोग जमा करते हैं, तो कुछ लोग ना पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते हैं। पार्टनरशिप मतलब एक से ज़्यादा, दो लोग कम से कम हो तो पार्टनरशिप शुरू करते हैं। अब पार्टनरशिप बिजनेस में स्टार्ट तो कर दिए, कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से पार्टनरशिप बिजनेस बंद करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। तो 12th में पढ़े होंगे एक चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फिलहाल हमको डिसोल्यूशन नहीं सीखना है, हमको सीखना है इस यहाँ पर डिसोल्यूशन के बाद आगे क्या होता है। कल अगर पार्टनरशिप बंद कर दिए, शटर गिरा दिए, बोले सब लोग अपना अपना पैसा लेके निकलो, तो जो भी आपने एसेट्स खरीदा है पार्टनरशिप फॉर्म में, उसको बेचना पड़ेगा। जैसा अगर हमने कोई घर खरीदा है, इधर मुंबई में रहते हैं, और कल हम यहाँ से बेच के जा रहे, पापा बोले अपन अपना गाँव में रहेंगे, तो यहाँ का सब एसेट्स हमें बेचना पड़ेगा। अब सब एसेट एक ही बार तो नहीं बिकेगा, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड, सोफा, जो भी है आप बेचोगे तो उसको टाइम लगता है बेचने को। मतलब ऐसी पार्टनरशिप में भी होगा। पार्टनरशिप में क्या होगा, जब एक बार डिसाइड हो गया कि पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करना है, डिसॉल्व करना है, तो चलो अभी एसेट्स को बेचो। जब एसेट्स को बेचते हैं तो एक ही बार में पूरा पैसा नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल, एक बार स्टॉक बिक गया, 2 महीने के बाद डेटर ने पैसा दिया, फिर बाद में अपने पास कोई और एसेट था, मोटर कार था, वो बिका, तो कोई भी एसेट एक फटके में नहीं बिकेगा। धीरे धीरे कोई कस्टमर मिला तब जाके पैसा मिलेगा। तो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हम पार्टनर को पैसा कैसे दें, किसको पहला पैसा दें, ये यहाँ पे ये सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 मार्क के लिए आता है। तो किसको पहला पैसा दें, लेने वाले बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लोग क्रेडिटर होंगे, क्रेडिटर बोलेंगे हमारा पैसा पहले दो, कुछ लोग सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं। सिक्योर्ड का मतलब सिक्योर्ड लोन, जैसे कि अगर बैंक से हमने लोन लिया है तो बैंक को कुछ गिरवी रखा होगा हमने, तो बैंक का अगर लोन नहीं देगा तो बैंक तो सीधा पहला उनका हक बनता है, वो कब्जा कर लेंगे उसके ऊपर, क्योंकि बोले थे हमको इसको दिखा के लोन लिए थे। तो कुछ सिक्योर्ड लोन होते हैं, कुछ अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। अनसिक्योर्ड मतलब क्रेडिटर वगैरह, पार्टनर बोलते हैं हमारा पैसा दो, तो किसका पैसा पहले देना है इस चैप्टर में, क्योंकि सब जहाँ थोड़ा पैसा आएगा ना बेटा, सब लोग बोलेंगे हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, पैसे के लिए मारा पीटी हो सकता है। तो इसीलिए एक ऑर्डर है, जब भी पार्टनरशिप में थोड़ा भी पैसा आएगा असेट्स बेच के, तो पहला पैसा किसका देंगे। कुछ लोग बोलेंगे हम तो 2 दिन से लाइन लगाए हैं, हमारा पैसा पहले मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता, कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, एक ऑर्डर है। तो पीसमिल का मतलब, नाम क्या चैप्टर का नाम, पीसमिल, पीस पीस में मिल खाने का, पीस मिल, हाँ थोड़ा थोड़ा, तो जो पैसा होता है थोड़ा थोड़ा मिलता है, पूरा एक ही बार में नहीं मिलता है। तो पीस मिल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे आप, पहला किसका पैसा दोगे, बहुत ईजी चैप्टर है। तो आप भगवान ने 5 उंगली दिया है, 5 ऑर्डर बेटा याद रखने का, मैं लिखा ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट मतलब आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है, ऑर्डर ऑर्डर, हाँ आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है। क्या ऑर्डर है, सबसे पहला आप पैसे किसका पैसा दोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, लिखो ऑर्डर ऑफ पेमेंट, मैं एक एक समझाते जाता हूँ, फिर आप आगे बढ़ना। चैप्टर का नाम लिखो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार ये समझ गया तो बेटा सब प्रॉब्लम एकदम इजीली सॉल्व करोगे। चैप्टर का नाम पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, बाद में लिखो ऑर्डर ऑफ पेमेंट, आप सबसे पहला पैसा किसका दोगे, क्योंकि पैसा ऐसा चीज है कि लोग खून की नदियां बहा देंगे, बोलेंगे हमारा पैसा दो। ऑर्डर ऑफ पेमेंट, आपको ये ऑर्डर याद रखने का, सबसे पहले बेटा नंबर 1 लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने का, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सुनो, व्हाट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर अपने पास कुछ एसेट्स है जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, सुनो इधर बस कंट्रोल, रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में समझो कि क्या होता है। कल हमारे पास बेटा बहुत सारा एसेट होगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, तो कल अगर ये बेचने का टाइम आएगा तो हम तो नहीं है ना एजेंट, हम किसी को ढूंढेंगे, भाई कोई बेच के दो ना हमारा फर्नीचर, हमारा स्टॉक बेच के दो ना, क्योंकि कुछ लोग को वो सब आता होगा। तो जब आप इसको बेचोगे, जैसा हमारे पास बेटा स्टॉक है 1 लाख का स्टॉक है, डेटर तो पैसा देंगे कुछ टाइम के बाद, हमारे पास फर्नीचर है 40,000 का, लेकिन जब आप इसको बेचोगे मार्केट में, बिकना भी तो चाहिए, तो कुछ लोग कमीशन लेंगे, कुछ बोलेंगे हमको दे दो हम बेच के देंगे, लेकिन भूलने जाना हमारा 2,000 रुपया,
कुछ लोग एजेंट लोग होंगे, तो यार हमें उनके लिए पैसे साइड में निकाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा बेच के पैसा मिलेगा, जैसे एग्जांपल अगर स्टॉक बेच के 1 लाख रुपए आ गया, फर्नीचर बेच के 40,000 आ गया, तो पूरा पैसा अगर सब में बांट दोगे पार्टनर में, तो वो उनको कहाँ से दोगे, वो दलाल लोग को, एजेंट लोग को, तो उनके लिए पैसा पहले रख देना साइड में, वो लोग को देना तो पड़ेगा, अंदाजे से पैसा रखते हैं, अंदाजा से देना तो है कन्फर्म। कुछ लोग बेटा एक्सपर्ट होते हैं, मैं बेच के दूंगा, मेरा एकदम ऐसे चुटकी में बेच के दूँ, बोला अच्छा है कितना लोगे आप, बोला 2,000 रुपये लूँगा, बोला ठीक है, तो उसको पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए पैसा अपन साइड में रखेंगे। इसीलिए सबसे पहले किसका पैसा लेस करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन का लॉजिक क्या है, जब एसेट बेचोगे तो कुछ खर्चा होगा, बिना पैसा खर्चा किए एसेट नहीं बिकने वाला है, तो पहले समझा रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब ज़रा ध्यान देना, कुछ होते हैं सिक्योर्ड, कुछ होते हैं सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का अधिकार सबसे पहला है सिक्योर्ड। सुनो पहले क्या बोलता है, जैसे एग्जांपल एक बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ, बैलेंस शीट है और यहाँ आपने बेटा बैंक से लोन लिया है, 1 लाख का लोन लिया है, और ये जो बैंक से लोन लेते हैं ना, कुछ गिरवी रखा हमने, लिखेंगे सिक्योर्ड ऑन स्टॉक, ऐसा अगर लिखा है स्टॉक पे सिक्योर्ड है, ये सेट स्टॉक रहेगा, स्टॉक रहेगा कैसे 1,20,000 का, और भी एसेट रहेगा, फर्नीचर रहेगा, डेटर रहेगा, ये सब बेचने वाले। तो कल ना जब बेचने के लिए रखे थे तो सबसे पहले स्टॉक ही बिक गया बेटा, तो बेटा अगर स्टॉक बिक गया, बहुत सारे लायबिलिटी पे करना है, क्रेडिटर को पे करना है, पार्टनर का लोन है, तो पहला किसका अधिकार रहेगा स्टॉक पे, बैंक का, क्योंकि बेटा बैंक से जब आप लोन लिए थे, बैंक को गिरवी दिए थे, माँ कसम मैं आपका पैसा देगा, ये देखो स्टॉक गिरवी रखता है, तो स्टॉक का सबसे पहला हक इसी का है, इनका ही है। अच्छा कल अगर फर्नीचर बिका तो इनका हक नहीं है, क्योंकि स्टॉक क्या किसके पास गिरवी रखे थे, बैंक के पास, तो इनका हक पहला होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो कल अगर सिक्योर्ड वाले का एसेट पहले बिका, किसका, सिक्योर्ड वाले का, तो पहला हक उन्हीं का बनता है बेटा। तो लिखा, व्हेन द लोन इज टेकन ऑन सिक्योरिटी ऑफ द एसेट, इफ दैट एसेट इज सोल्ड, अगर ऐसा एसेट बिकता है, इफ दैट एसेट इज सोल्ड, देन दैट अमाउंट मस्ट बी यूज टू रिपे दैट लोन। मतलब कल अगर बेटा स्टॉक बिकता है तो स्टॉक का पूरा पैसा बैंक वाले को दे दो, शेयर नहीं करना है। जैसा अपन कोई चीज गए रेस्टोरेंट में शेयर कर रहे थे, 1/2 शेयर किए, बोले ये शेयर नहीं करने के, मेरा यहाँ केस के ऊपर, इस पर शेयरिंग नहीं होगा, समझा। तो लिखो पॉइंट नंबर 2, ये सिक्योर्ड वाले का, सिक्योर्ड वाला अगर ऐसा बोला रहेगा तो 99% सिक्योर्ड वाला नहीं देंगे आपको, इजी देंगे, लेकिन रेडी रहना, कल अगर सिक्योर्ड वाले का बिकेगा तो पहला उन्हीं का बेटा अधिकार होता है। व्हेन द लोन इज टेकन ऑन सिक्योरिटी ऑफ द एसेट, व्हेन द लोन इज टेकन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द एसेट, इफ दैट एसेट इज सोल्ड, If that asset is sold, अगर वो asset बिकता है, then that amount must be used to repayment of loan. वो asset का पैसा उस loan में ही use किया जाएगा। ये example समझा, अगर stock बिका तो stock का use loan में ही adjust करें, creditor को नहीं देंगे वो पैसा। एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे समझ गया वाला, व्हेन स्टॉक इज सोल्ड। चलो थर्ड सोच, ये सिक्योर्ड वाला बेटा साइड में लिखा हूँ सिक्योर्ड, अगर जरूरी नहीं सब लोग सिक्योर्ड ही रहेंगे, कुछ लोग अनसिक्योर्ड रहते हैं, अनसिक्योर्ड मतलब कोई उनको सिक्योरिटी नहीं दिखा। आप बात कर रहे थे बेटा अनसिक्योर्ड का, अनसिक्योर्ड ज़्यादातर तो नहीं आएगा, चिंता मत करना, सेकेंड वाला नहीं रहेगा तो सीधा ये वाला पे करना, अनसिक्योर्ड। सुनो अनसिक्योर्ड क्या होता है, अगर स्टॉक नहीं बिका, आप हटिए अंकल, अगर स्टॉक नहीं बिका, फर्नीचर बिका, पता चला फर्नीचर 50,000 का बिक गया, तो फर्नीचर का पैसा किसको देने का, बैंक को देने का, क्रेडिटर को देने का, आंसर है तुम दोनों। ये जब अगर फर्नीचर बिका तो इतना टाइम के लिए अनसिक्योर्ड कहलाता है, बैंक लो वाले अनसिक्योर्ड कहलाते, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है, तो ये भी अनसिक्योर्ड है, क्रेडिटर भी अनसिक्योर्ड है, मतलब हम दोनों एक जैसे ही है। तो कल अगर फर्नीचर बिकता है बेटा तो दोनों का अधिकार इक्वल रहेगा, क्योंकि मैं तभी तक के लिए मैं अनसिक्योर्ड है। हाँ, जैसे एग्जांपल अगर ये आदमी का खुद का घर नहीं है तो बोला ठीक है तब तक आप हमारे जैसा ही है आ जाओ, अनसिक्योर्ड है, क्योंकि ये भी अनसिक्योर्ड है। फर्नीचर आपके पास तो सिक्योर्ड था ही नहीं, तो वो अनसिक्योर्ड पोर्शन है आपका। तो जब तक बैंक वाले का ये नहीं बिकता है
तब तक अगर कोई और चीज मिल जाएगा तो इसमें दोनों का हक बनेगा, दोनों का हक बनेगा, सिक्योर्ड का भी और अनसिक्योर्ड का भी। तो बोलता है इफ द सिक्योर्ड एसेट इज नॉट सोल्ड, इफ द सिक्योर्ड एसेट वाला नहीं बिका, स्टॉक नहीं बिका, देन पे टू ऑल क्रेडिटर, सिक्योर्ड हो वो अनसिक्योर्ड हो, प्रपोर्शनेटली, प्रपोर्शनेटली का मतलब होता है रेशो में शेयर करेंगे हम लोग, रेशो में सबको पैसा देने का। एक सिंपल बता रहा हूँ, अगर कल फर्नीचर बिक गया 50,000 का और क्रेडिटर का अमाउंट बेटा 50,000 है, तो जो 50,000 है उसको हम लोग 1:2 का रेशो में शेयर करेंगे, 1,00,000 और 50,000 का रेशो आएगा 1:2, हम लोग ऐसे शेयर करेंगे। कल डेटर ने आपको बोला 40,000 रुपये दे दिया, तो इसको ये दोनों जन शेयर करेंगे 1:2 का रेशो में, समझा। मैं आपको बता दूं बेटा आपका लेवल में एग्जाम में क्या आता है, सोए बीकॉम में, पहला आप रियलाइजेशन एक्सपेंस का पैसा साइड में रख लेना, सेकेंड सीधा यही आएगा क्रेडिटर वाले आएंगे, तो अगर एक से ज़्यादा क्रेडिटर हैं तो किसको पैसे दोगे, अगर एक से ज़्यादा लोग रहेंगे तो शेयर करेंगे वो लोग, एक ही रहेगा तो सीधा उसी को दे देना, एक से ज़्यादा लोग हैं तो वो लोग शेयर करेंगे रेशो में। आप रास्ते में जा रहे थे, दो दोस्त लोग, और दोनों का नज़र एक 500 नोट पे पड़ा, तो ये नहीं बोलने का पहला मैं देखा, बोला पहला मैं उठाया, नहीं दोनों दिन इक्वली शेयर कर लेंगे 250-250 रुपया, क्योंकि हम दोनों एक जैसा ही है। ओके, तो लिखो पॉइंट नंबर 3, ये अनसिक्योर्ड वाला, तब तक आप अनसिक्योर्ड ही रहोगे। इफ सिक्योर्ड एसेट इज नॉट सोल्ड, अगर सिक्योर्ड एसेट नहीं बिका, देन पे टू ऑल क्रेडिटर, वो सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड सबको देने का। इफ सिक्योर्ड एसेट इज नॉट सोल्ड देन पे टू ऑल क्रेडिटर, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, पे टू ऑल क्रेडिटर ब्रैकेट में लिखो, वो सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो से कुछ मतलब नहीं, सबको देने का पैसा। कैसे देने का सर, इन प्रपोर्शनेटली, प्रपोर्शनेटली मतलब रेशो में शेयर करेंगे वो लोग, प्रपोर्शनेटली। तो बेटा पहले किसको पे करेगा, अभी फटाफट याद कर लो, पहला आप रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करोगे, सेकेंड सिक्योर्ड वाले का पैसा दोगे, बाद में अनसिक्योर्ड वाले का पैसा दोगे। क्लियर, तीन ऑर्डर समझा, वापस बोलता हूँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बाद में सिक्योर्ड वाले का पैसा दोगे, बाद में अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड वाले का पैसा दे दो। अगर अनसिक्योर्ड का पेट भर गया तो चौथा पे करने का पार्टनर लोन, पार्टनर ने हो सकता है लोन दिया रहेगा, तो लिखो नेक्स्ट पे टू पार्टनर लोन, पॉइंट नंबर 4। अभी किसको पे करने का, नेक्स्ट पे टू, नेक्स्ट पे पार्टनर लोन, अगर पार्टनर लोन दिया रहेगा तो, नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं है, स्किप करना हो स्टेप, नेक्स्ट पे टू पार्टनर लोन, और लास्ट में पार्टनर लोन के बाद लास्ट में पे किया जाता है बेटा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर को पैसा दिया जाता है, लेकिन सुन लो लास्ट, पार्टनर को पैसा, पार्टनर को हमेशा लास्ट में पैसा मिलेगा। पार्टनर को देने से पहले अगर आपके ऊपर कोई कॉन्टीजन लाइबिलिटी होता, व्हाट इज कॉन्टीजन लाइबिलिटी बेटा, ऐसा लाइबिलिटी जो भविष्य में होगा, मालूम पड़ा अपने ऊपर कोर्ट में केस हुआ है, और कोर्ट में केस हुआ और हमको लगता है हम कोर्ट में केस हारने वाले, हारेंगे तो हमें 10,000 रुपये देना पड़ेगा, तो बेटा उस दिन 10,000 रुपये कहाँ से आएगा, सब बेच के तो आज ही खा गए। तो अगर ऐसा कोई लाइबिलिटी जो हमारे सर पे है भविष्य में आने वाला, अभी तो 2023 चल रहा है, पता चला 2025 में आ सकता है भविष्य में, मामला कोर्ट में है, तो पैसा अपन साइड में रखेंगे। इसीलिए बोलता है बिफोर पेमेंट टू पार्टनर, पार्टनर को लास्ट में मिलेगा, या अंगूठा याद रखने का, पार्टनर को पे करना लास्ट में। अमाउंट फॉर कॉन्टीजन लाइबिलिटी, कॉन्टीजन लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होता है जो भविष्य में होगा, सेट एसाइड, उसको साइड में रखने, ये भी आता नहीं, चिंता मत करो, अब बस लिख के रखो बिफोर पेमेंट टू पार्टनर। आप ऐसा ऑर्डर याद रखोगे तो हार्ट से हार्ट प्रॉब्लम भी आप कर सकते हो। तो बिफोर पेमेंट टू पार्टनर अमाउंट फॉर कॉन्टीजन लाइबिलिटी इज सेट एसाइड, ठीक है। चलो अभी नया पेज पे जाओ, अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में दो मेथड है, एक एक्सिस कैपिटल मेथड है, एक मैक्सिमम लॉस मेथड है। SYBCOM में केवल एक्सिस कैपिटल मेथड ही है, ठीक है, मेथड एक ही है आपको सिलेबस में, एक्सिस कैपिटल आज मैं सिखाने जा रहा हूँ, एक्सिस कैपिटल। तो आ जाओ, आपका बुक में मिला क्वेश्चन नंबर 3, चलो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से। तो ये ऑर्डर याद रखो, बोलो ना, नहीं नेक्स्ट पेज पे, एकदम फ्रेश पेज पे, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं। ओके, सुनो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, मैं इरेज कर देता हूँ, ये ऑर्डर याद रखो, फिलहाल अभी इरेज करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तीन पार्टनर है बेटा, आ जाओ, मेरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हट जाओ थोड़ा सा, हाँ क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़ते हैं अच्छे से समझना बेटा, ये एग्ज़ाम क्वेश्चन है, आ चुका एग्ज़ाम में। पंडित शर्मा एंड कर्मा, मिला तीन पार्टनर है,
इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:2:1, मतलब कुछ भी पार्टनरशिप में कमाते हैं तो इस रेशो में खाते हैं। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। अभी कसम खाए कि अभी बंद करो, आज के बाद हम लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे, चलो बंद करते पार्टनरशिप। ये रहा बैलेंस शीट, आखिरी बैलेंस शीट जिंदगी का उनका। क्या क्या असेट है उनके पास? लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, डेटर है, स्टॉक है, कैश है। कैश 1000 रुपये, वो उसको तो बेचने की जरूरत नहीं, वो तो कैश है ना, लेकिन बाकी चीज़ को बेचना पड़ेगा। ओके, लाइबिलिटी साइड में देखो, पंडित का कैपिटल 2 लाख है, शर्मा का 1,20,000 है, कर्मा का 40,000 है। अच्छा देखो, लाइबिलिटी आपको देखना है क्या क्या लाइबिलिटी। एक 10% लोन है, अनसिक्योर्ड बोला है, अनसिक्योर्ड मतलब इसमें कोई भी सिक्योर्ड नहीं है, मिला 10% लोन है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है। बेटा तीनों अनसिक्योर्ड है, लोन पहले ही बोल दिया अनसिक्योर्ड है, और बाकी सब अनसिक्योर्ड है, क्योंकि उसके बाजू में नहीं लिखा तो अनसिक्योर्ड, मतलब तीनों एक जैसे ही है, तीनों एक जैसे ही है, तीनों में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो कल अगर कोई भी पैसा मिलेगा ना तो तीनों जन शेयर करेंगे। हाँ प्रपोशाबाज, तीनों जन शेयर करें। नीचे इंग्लिश आ जाओ, अब बैलेंस शीट के नीचे लिखा है 1600 हैज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्योंकि जब एसेट बेचेंगे तो खर्चा होगा, तो पैसा कहाँ से आएगा, इसीलिए हम 1600 रुपये हम साइड में रखेंगे। पहले ही मैंने ऑर्डर में बताया था, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस को साइड में रखने का। देयर आफ्टर ऑल कैश रियलाइज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर द अमाउंट वाज रियलाइज। देखो टुकड़ा टुकड़ा में पैसा मिलता है, एक ही बार में पूरा पैसा नहीं मिलता है। जैसे आप किधर कोई फीस भरते हो, क्लासेस का फीस भरते हो, इंस्टॉलमेंट में भरते हो, वैसे ही एसेट्स इंस्टॉलमेंट में बिका है। तो बोलता है पहला रियलाइजेशन कितना मिला, 1,20,600। समझाए कहाँ से मिला पैसा, वो एसेट साइड में एसेट है ना, उसको बेच के पैसा मिला। तो एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,20,600 मिला, सेकेंड रियलाइजेशन 1,00,000 मिला, थर्ड रियलाइजेशन 1,58,000 मिला, और फोर्थ रियलाइजेशन 55,400 मिला। नीचे लास्ट में पढ़ो, ये जो आप ऊपर खर्चा के लिए पैसे साइड में रखे थे ना 1600 रुपया, रियल में खर्चा कितना हुआ वो लास्ट में पता चलता है, आखिरी में पता चलता है। 1000 रुपये हुआ तो हमने ज्यादा कितना रखा था, हमने पैसा रखा था 1600 रुपया। हाँ। रियल खर्चा कितना हुआ 1000 रुपया, तो एक्स्ट्रा कितना रखा था 600। हमें कहाँ मालूम था, तो ये 600 रुपये वापिस लास्ट इंस्टॉलमेंट में पार्टनर में ऐड कर देंगे। लास्ट इंस्टॉलमेंट में हम पार्टनर में ऐड कर देंगे। लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा बताओ, फोर्थ रियलाइजेशन 55,400 ना, उसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम ना एक्चुअल में कितना खर्चा होने वाला है, अपन अंदाजे से पैसा रखे थे, तो अब ये पैसे का जरूरत नहीं है, तो लास्ट में ऐड करेंगे। नीचे बोलेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर एक्सिस कैपिटल मेथड। अब ध्यान देना, मैं एक्सिस कैपिटल मेथड सिखा रहा हूँ, तो लिखो मेरे साथ वर्किंग करो। लिखो, दो पार्ट में सॉल्व होता है बेटा, पहला में पार्टनर का ऑर्डर ढूंढना है, पहला किसका पैसे देना है। तो लिखो मेरे साथ स्टेटमेंट ऑफ एक्सिस कैपिटल, बहुत ईजी है, एक समझोगे ना बाकी सब खुद ही करोगे। स्टेटमेंट ऑफ एक्सिस कैपिटल कैसे निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सिस कैपिटल। अब आपको ट्रिक ध्यान देना, मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ अच्छे अच्छे। पहले यही वर्किंग करना है, एक्चुअली वर्किंग है बेटा, सॉल्यूशन नहीं है, सुने ये वर्किंग है, लेकिन इसको लिखो, बाद में बताऊंगा कितना पेज छोड़ना। नहीं नहीं चलेगा, अभी आप लिखो, पहला क्वेश्चन है तो लिखो एक्सिस कैपिटल। तो पार्टनर का नाम लिखो, या जगह छोड़ो और कोने में तीन पार्टनर का नाम लिखो, P, S और K। तीन पार्टनर है, उनका नाम ही लिखा हमने, पंडित, शर्मा, कर्मा। ओके, तो ये रहा तीन पार्टनर लोग बेटा, 1, 2 और 3, बस यहाँ थोड़ा ज़्यादा जगह छोड़ो। ओके, अल अमाउंट लिखना है हमें, कितना, हाफ पेज का लाइन ड्रॉ करो, हाफ पेज का, पंडित, शर्मा और कर्मा, पूरा नाम ही लिख लो, कन्फ्यूजन होगा। पी फॉर पंडित, एस फॉर शर्मा, और ये कर्मा। तीन पार्टनर है, पंडित, शर्मा और कर्मा, मिला, डन, बनाओ मेरे साथ। अब आपको क्या करना है, देखो जरा, सबसे पहला कैपिटल, तीनों पार्टनर का पहले, जो तीन पार्टनर है ना बेटा, आपस में ये देखना है कि पहले इन इन तीनों में से पहला पैसा किसको देना है, एक ही नहीं है ना, तीन तीन लोग है, मारा पीटी हो जाएगा, तो पहले तीनों में सबसे पहले किसको देना, वो पहला वर्किंग करना पड़ता है। तो आ जाओ, सबसे पहले देखो बेटा जी कैपिटल कितना दिख रहा है, लिखो कैपिटल, लिखो इनका कैपिटल, ये जो कैपिटल होगा, कैपिटल कितना कैपिटल है, लिखो इनका है 2,00,000 हैंडिंग, अच्छा बनाओ, इसका है 2,00,000,
शर्मा का है 1,20,000 और कर्मा का है 40,000। अब आपको एक ट्रिक देता हूँ, बहुत काम आएगा। इसके अंदर अगर कैपिटल है, कैपिटल में रिजो भी पार्टनर का होता है, रिजो रहेगा तो बांट के लेते हैं, और अगर लॉस रहेगा तो वो भी बांट के ले लेने का। तो इसमें क्या करने का, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, अगर इसमें रिजो रहेगा तो ऐड करने का, रिजर्व रहेगा तो ऐड करना, लॉस रहेगा तो लेस करना। लेकिन इस क्वेश्चन में ना रिजर्व है ना लॉस है। रिजर्व मतलब कल ऐसा देंगे जनरल रिजर्व में 40,000 रुपये तो उसको बांट देना, ऐसी एसेट साइड में लॉस रहेगा। जब प्रॉफिट तुम्हारा तो लॉस भी तुम्हारा, तो लॉस को ही बांट लेने का। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन अगर होगा ना तो रिजर्व ऐड होगा, लॉस लेस होगा, और जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। हमें एडजस्टेड कैपिटल लेके सॉल्व करना, तो फिलहाल मैं हटा देता हूँ। मतलब आप लिख लो एरो बना के कि ये कैपिटल कैसे निकालोगे, यहाँ लिख लो एरो बना के, कैपिटल में आप रिजर्व क्या करोगे, ऐड करोगे, लॉस क्या करोगे, लेस करोगे, जो आंसर आएगा उसको एडजस्टेड कैपिटल बोलना, एडजस्टेड कैपिटल। फिलहाल अभी ये नहीं है तो हम नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं, लिख के रखो, बस एरो बना के लिख के रखो, बर्थडे बलून, कैपिटल में रिजर्व ऐड करने का। हाँ तो चलो, अभी ये अपना मेन कैपिटल है, हाँ अगर वो नहीं रहेगा तो ये अपना मेन कैपिटल बन जाएगा। अब ध्यान देना, लिखो इसके नीचे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR, लिख छोड़ना। हाँ नहीं नहीं लिखते थे, लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पहली बार तो गेम करूँ लिए एक भी लाइन नहीं छोड़ना है। PSR बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, एकदम ऊपर लिखा था टेरिस पे 4:2, लिखो इसके नीचे, लिखो 4, कैलसी का इस्तेमाल अभी होने वाला, मजा आएगा आपको, स्टेप्स रट्टा मारना अच्छे से। कैपिटल लिख लो, PSR लिख लो, 4:2:1, आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, यूनिट कैपिटल निकालना है, यूनिट कैपिटल निकालना है, लिखो यूनिट कैपिटल निकालना है, स्टेप अच्छे से रट्टा मार लो, सवेरे शाम दूध के साथ लेने का। कैपिटल लिखो, PSR रेशो लिखो। अब यूनिट कैपिटल कैसे निकालने का, इसको इसे डिवाइड करो तो यूनिट कैपिटल मिलेगा। चलो डिवाइड करो, आंसर मत बताओ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2,00,000 / 4 करो, मेरे पास आंसर है, आप चेक करते हैं, आंसर है 50,000, लिखो, सबको डिवाइड करो, बाजू वालों को भी डिवाइड, तो बाजू वाले तो रोएगा। 1,20,000 / 2 करोगे तो आंसर आता है 60,000, और 40,000 / 1 करोगे तो आंसर आता है 40,000। मिला, दिखाई दे रहा है स्क्रीन में आपको पूरा? यस सर। तो कैपिटल PSR लिख लिया, तो यूनिट कैपिटल निकालने का। अब मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है क्लास में, 40,000, तो 40,000 को बेस पकड़ने का, तो कर्मा को बेस पकड़ेंगे, तो लिखेंगे प्रपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग कर्मा कैपिटल एज बेस, कर्मा कैपिटल को बेस पकड़ने का। इंग्लिश सीखना, प्रपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग कर्मा कैपिटल एज बेस, कर्मा का जो कैपिटल है उसको आपको बेस पकड़ना है। अब सुनो, अच्छा अभी आप पेंसिल से एरो बना सकते हो, एग्जाम मत करना। तो सबसे जो छोटा रहेगा ना बेटा उसको बेस पकड़ने का, तो 40,000 को एक बार इससे इंटू करो, 40,000 को एक बार इससे इंटू करो, 40,000 को एक बार इससे इंटू करो, ठीक है, अगले बार मत बनाना। जो छोटा रहेगा उससे सबको लड़ाने का, तो 40,000 इंटू 4 करो, 40,000 इंटू 4, 4×4=16, तो बेटा 1,60,000 आएगा, लिखो। बच्चे डाउट करते हैं 1,60,000 किधर से आ गया, दो दिन से सर से पूछ रहा हूँ मैं। 40,000 इंटू 2 करो 80,000, और 40,000 इंटू 1 40,000, यहाँ तक समझा? अब आपको मैं दे रहा हूँ ट्रिक रट्टा मारने का एग्जाम में। यूपी गए हो? नहीं तो सुनो, एक याद रखने का यू, कुत्ते को नहीं बुला रहा हूँ, यू, और एक याद रखने का पी, यूपी याद रखने का, यूपी, यू फॉर यूनिट कैपिटल, पी फॉर प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यूपी याद रखो। ये बार बार रिपीट होगा ताकि आप, PSR तो याद ही रहेगा, कैपिटल के नीचे PSR लिखना है, उसके अंदर यूपी याद रहने का। एक यूनिट कैपिटल निकालना है, बाद में प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैसे निकाल, जो सबसे छोटा रहेगा उसको बेस पकड़ना है, उसको इससे इंटू करो तो ये आंसर आएगा, उसको इससे इंटू करो तो ये आंसर आएगा, उसको इससे करो तो ये आंसर आएगा। अब एक लाइन ड्रॉ करो वही पेंसिल से। अब जो आंसर आएगा इसको आप बोलेंगे एक्सिस कैपिटल। क्या बोलेंगे सर जी? एक्सिस कैपिटल, एक्सिस कैपिटल,
अब एक्सिस कैपिटल सुनो कैसे आएगा, पेंसिल बिजनेस लाइन ड्रॉ करो बेटा, अपना ही बुक है। एक्सिस कैपिटल कैसे निकालने का, जो लेटेस्ट कैपिटल, जो लेटेस्ट कैपिटल था ना ऊपर, इसमें से इसको लेस करो तो आंसर आएगा, एक्सिस कैपिटल आएगा। समझे, एरो बनाया मैंने। एक्सिस कैपिटल कैसे निकालना है, 2 लाख में से 1,60,000 को माइनस करो तो एक्सिस मिलेगा। एग्जाम ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं, ड्राइंग भी एक बार समझ में आना चाहिए अपने, किस में से क्या माइनस किया। कैपिटल में से लास्ट क्या प्रोपोर्शनल कैपिटल लेस करो तो एक्सिस मिलेगा, मतलब ज़्यादा कितना है कैपिटल, आंसर 40,000। 120 माइनस 80 40,000, और 40,000 माइनस 40,000 डैश करना, जीरो नहीं करने का। समझा, अभी अपन बेटा किधर एक साइकिल होता है, एक साइकिल होता है, एक लूप है, दुनिया गोल है। तो अभी अपन फिर से बेटा इधर पहुंच गए, अभी ये स्टेप फिर से रिपीट करना जब तक सिंगल अमाउंट नहीं आता है। अभी दो है ना, तब तक करने जब तक सिंगल कैपिटल नहीं आता। चलो अभी रिपीट करते हैं, अभी बताओ क्या लिखेंगे सर। अभी अपन बेटा इधर पहुंच गए, बोलो क्या लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे इसके बाद। शाबाश, तो लिखो अभी PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे। ये एक साइकिल हो गया, ऐसा दो या तीन साइकिल बनता है। PSR रेशियो उन्हीं के लिखो जो जिंदा है, 4 और 2, उनका छोड़ दो, मर गए कभी का। अब इसका यूपी याद रखो, यूपी चलेंगे एक बार घूमने, यूपी बहुत अच्छा है, कभी आए आगरा तो आ जाओ। यूनिट कैपिटल, यू फॉर यूनिट कैपिटल, यूनिट कैपिटल कैसे निकालेंगे, अभी सर ने बताया था डिवाइड करने का, 40,000 डिवाइड बाय 4 आंसर आता है 10,000। अभी हम स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं, 40,000 डिवाइड बाय 2 आंसर आता है 20,000। अब वापिस यू है तो पी प्रोपोर्शनेट कौन सा पकड़ेंगे, जल्दी बताओ बेटा। 10,000। शाबाश, जो सबसे छोटा है क्लास में, कोई 1.5 फुटिया रहेगा तो उसको बेस पकड़ने का, तो सबसे छोटा था 10,000 है। तो देखो ट्रिक बना लो, अगले बार मत करना, 10,000 को एक बार 4 से इंटू करो और 10,000 को एक बार 2 से इंटू करो। तो आ जाओ इंग्लिश लिखेंगे मस्त झिंगाट, लिखो प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग टेकिंग पंडित कैपिटल एज अ बेस, पंडित का कैपिटल को बेस पकड़ेंगे। तो 10,000 इंटू 4 40,000 और 10,000 इंटू 2 20,000। अब माइनस करो, अब जो आंसर आएगा बेटा उसको बोलेंगे, बार बार लिखो, हजार बार लिखो, एक्सिस कैपिटल बोलेंगे। फिर से जब जब मैं अंडरलाइन मारूंगा तो जो आंसर आएगा उसको एक्सिस कैपिटल बोलूंगा। अब सुनो एक्सिस कैपिटल कैसे निकालें, लेटेस्ट एक्सिस कैपिटल जो था उसमें से इसको लेस करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, हाँ लाइन ड्रॉ किया ना, हो गया ना, अभी लेटेस्ट कैपिटल ये था ना, उसमें से इसको लेस करो तो 40,000 माइनस 40,000 डैश, 40,000 माइनस 40,000 नील, 40,000 माइनस 20,000 20,000। बस हो गया, हमको एक ही अमाउंट चाहिए था, बाकी लाइन क्लोज कर दो, हो गया ये फॉर्मेट कंप्लीट। ये छोटा सा जो है ना, इसका अलग से 4 मार्क मिलेगा अगर सॉल्व कर दिए तो। समझा, समझ लो कैसे कैसे माइनस के, ये एग्जाम मत बनाना ड्राइंग वगैरह, ये तो बताया कैसे माइनस करना है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा किस में से क्या सर ने माइनस किया। अभी इसमें से क्या सीखने को मिला अपने को, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या सीखने को मिला, तो नीचे लिखो उसके नीचे, चलो अच्छे से लिखो ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, हाँ बाकी इरेज कर दो, और इसके नीचे लिखो अभी ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ये ऑर्डर आपको याद रखने का है। तो सुनो फर्स्ट, अभी हमें सबसे पहला बोर्ड पे देखो एक बार, मैं समझा दूँ फिर आप लिखना। सबसे पहला बेटा हम किसका पैसा देंगे, ये एक्सिस कैपिटल क्या बोलता है, जिसका कैपिटल ज़्यादा है पहले उसका देंगे। तो सबसे पहला जब कैलकुलेशन किए, कम करते गए तो इसी कैपिटल सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहला फर्स्ट शर्मा को देंगे हम लोग, कभी भी शर्मा को देंगे 20,000 रुपये देंगे। जब तक शर्मा का 20,000 नहीं दे देंगे हम लोग आगे नहीं जाएंगे। एक बार शर्मा को दे दिया 20,000 तो डायरेक्टली एक्सिस वाला देखने का, बस एक्सिस, ये एक्सिस, अभी अगला एक्सिस इधर है, हाँ। तो सेकंड पेमेंट किसको करना है, पंडित को करना है और शर्मा को करना है, पंडित को करना है एंड शर्मा को करना है। अब सर कितना करोगे सोचो, पंडित को तो 40,000 पूरा देंगे क्योंकि पहले नहीं मिला था पंडित को, तो पंडित को पूरा 40,000 देंगे, और रुको शर्मा को 40,000 नहीं देंगे, ऑलरेडी 20,000 दिया था कल तेरे को मैंने, तो मैं तेरे को 20,000 ही देगा। मतलब ये जो है ना, ये टोटल रहता है, टोटल सर एक बार ये फर्स्ट पेमेंट है,
ये सेकेंड पेमेंट है और सीधा ये थर्ड पेमेंट है। एक बार फर्स्ट पेमेंट सेकेंड पेमेंट हो गया तो जो थर्ड पेमेंट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहना चाहिए। एक बार यहाँ पहुँच गया एकदम ऊपर भगवान के पास तो PSR रेशियो में शेयर करने का नंबर थर्ड। इसके बाद तीनों को पे करेंगे, पंडित को, शर्मा को और कर्मा को। कैसे शेयर करेंगे? 4:2:1 लिख के रखो, बस यही था। इसका अलग से चार मार्क मिलेगा, केवल इतना सॉल्व था। इसमें से क्या सीखने को मिला? ऑर्डर ऑफ पेमेंट मिला कि हम किस ऑर्डर में सामने वाला को पैसा देंगे, पार्टनर में कैसा पैसा देंगे। तो लिखो ऑर्डर ऑफ पेमेंट, पहले शर्मा को 20,000 देंगे, बाद में पंडित और शर्मा को देंगे 40,000 और 20,000, और लास्ट में पंडित, शर्मा और कर्मा को देंगे 4:2:1 में, 4:2:1 में। ठीक है, सेटिस्फाई बेटा? समझा कहाँ से निकला? मतलब आपको यहाँ से उल्टा सोचने का, ये फर्स्ट पेमेंट है, ये सेकंड पेमेंट है और थर्ड पेमेंट सीधा वहीं शुरू हो जाएंगे जहाँ से स्टार्ट किए थे, तो वो थर्ड पेमेंट है। तो जब वो ऊपर पहुँचते हो ना तो PSR रेशियो में शेयर करना है 4:2:1। अब सुनो, अब अभी आप नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करना, पूरा फ्रेश पेज पे। मैं इसको इरेज करता हूँ, मेरे को बोर्ड कम गिरेगा। ठीक है, तो अभी आप, मैं ये लास्ट का रखूँगा, ये लास्ट का मेरे को देखने के लिए चाहिए। अभी हम सॉल्यूशन करेंगे, ये वर्किंग नोट था। ये वर्किंग नोट हर क्वेश्चन में करना है सर? बेटा हाँ बेटा, हर क्वेश्चन में करना बहुत ईजी है और मैंने ट्रिक से सॉल्व करना। बताओ मैंने क्या बताया था? कैपिटल लिखने का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखने का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बाद में यूपी, यू स्टैंड फॉर यूनिट कैपिटल, पी स्टैंड फॉर प्रोपोर्शनल कैपिटल टेकिंग, सबसे छोटा सा बेस, सबसे छोटा रहेगा उसको बेस पकड़ना। अब आ जाओ, अब ऑर्डर मुझे क्वेश्चन में देखो, मुझे बताओ लाइबिलिटी कितना दिख रहा है आपको? आउटसाइडर लाइबिलिटी, अनसिक्योर लाइबिलिटी कितना दिख रहा है? तीन दिख रहा है, तीन दिख रहा है, यस सर। तो चलो अभी कॉलम बनाओ हमारे साथ, लिखो स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, हेडिंग लिखो मस्त, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। कॉलम का नाम एक बार देख लो, हम क्या कॉलम बना रहे हैं, फिर वैसे बनाना। एक कॉलम बनाना बेटा जी पर्टिकुलर्स, एक कॉलम रहेगा आपका पर्टिकुलर्स, एक कॉलम आपके पास कैश कितना अवेलेबल है, हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास पैसा कितना है और हमारे सर पे कर्जा कितना है। कर्जा तीन तीन है, एक तो है बेटा जी क्वेश्चन में देखो 10% लोन है, एक है 10% लोन। लुको कॉलम पहले देखो, बाद में कॉलम बनाओ। 10% लोन है, बाद में बिल्स पेबल है, बाद में क्रेडिटर है, बाद में तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे, पंडित शर्मा और कर्मा, पंडित शर्मा और कर्मा। अब आपको बेटा जी इतने कॉलम आपको बनाना है। मैं बताता हूँ, ये दो कॉलम तो हमेशा बनेंगे, पर्टिकुलर्स और कैश अवेलेबल तो हमेशा बनेंगे। 2+ आपको सोचना है बाकी कितना कॉलम बनाना है। पर्टिकुलर्स में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, क्या क्या बेच के मिला, कितना पैसा मिला, सब कॉलम एक साइज का रखो। पर्टिकुलर्स, कैश अवेलेबल हमेशा बनेंगे। अभी 2+ कितना बनाने का, ये बेटा ना अखा लाइबिलिटी है, आपका जो लाइबिलिटी दिख रहा है ना उसको मैंने 16 के लिखा है। तो लाइबिलिटी में देखो पार्टनर्स कैपिटल स्टार्टिंग में था, उसको कोने में लिखो, और उसके बाद वो तीनों अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी लिखा है, लोन, बिल्स पेबल, क्रेडिटर। और देखो 6 लोग ही है, देखो पूरा लाइबिलिटी साइड में, पंडित का कैपिटल, शर्मा कैपिटल, कर्मा, मतलब जितने दिखेंगे उतने कॉलम बनेंगे, इतना तो समझ गया। 2+ बाकी आप डिसाइड करो कितना कॉलम बनेंगे, 2 तो बनेंगे बनेंगे, 2+6 बनाओ अभी कॉलम, पूरा पेज पे लाइन ड्रॉ करो। मैं अभी लाइन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जेल जैसे दिखेगा, आप पूरा बनाओ। पर्टिकुलर्स के थोड़ा ज़्यादा बस, बाकी सब एक साइज का रखो। कैश अवेलेबल नहीं, कॉलम कम गिरेगा, पहले अंदर देख लो कैश अवेलेबल, बाकी बारीक बारीक बनाओ। 10% लोन, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, हाँ, और अभी कितना 6 कॉलम बनाना है। हाँ होगा, और कम, हाँ नेक्स्ट टाइम पर्टिकुलर्स के लिए और कम रखना। हाँ अभी इसमें और 2, तो आप कॉलम का अंदाज़ा धीरे धीरे हो जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन करोगे आपको अंदाज़ा मिल गया। 6 हो गया, अभी नाम लिखो, एक लिखो पर्टिकुलर्स, बाद में लिखो कैश अवेलेबल, बाद में 10% लोन, बिल्स पेबल और क्रेडिटर। पर्टिकुलर्स, कैश अवेलेबल, 10% लोन, बिल्स पेबल,
पार्टनर का नाम लिख दो, पंडित पूरा लिखो, पंडित शर्मा और कर्मा, ठीक। 2+ जितना लाइबिलिटी रहेगा उतना कॉलम बनाने का, बिंदास। अब हम शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला लिखेंगे बेटा बैलेंस, हमारे पास बता सबका बैलेंस लिखेंगे। जैसा नहीं कि अपन बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो वैसे ही बैलेंस बताओ मेरे को, एसेट साइड में कैश कितना अपने पास। दुनिया में सब पैसा इंपॉर्टेंट है, कैश कितना हमारे पास देखो 1000, तो लिखो मेरे साथ कैश हमारे पास 1000 रुपये है। लिखो बैलेंस, कैश में लिखो 1000 रुपये हमारे पास। अरे बेटा एकदम ईजी है, अगर तुमको पैसे समझता है ना तो समझेगा चैप्टर। हमारे पास 1000 रुपये है, खाने वाले 6 लोग हैं, नहीं देंगे हम कंट्रोल, तो 1000 रुपये है हमारे पास। अब आपको बताना है लोन कितना अपने सर पे, कर्जा कितना है। देखो लोन का अमाउंट है 80,000 लिखो। उसके बाद बेटा देखो बिल्स पेबल कितना, बिल्स पेबल वाले को पे करना है 60। किसी ने हमारे बिल ड्रॉ किया है तो देना तो पड़ेगा, तलवार लेके घूम रहा है क्रेडिटर 60,000 करेक्ट। अब रुक जाओ, ये जो कैपिटल आप लिखोगे ना, बता दे रहा हूँ, ये जो कैपिटल आप लिखोगे ना ये हमेशा एडजस्टेड वाला लिखोगे। एडजस्टेड कैसे आता है अभी बताया था, कैपिटल में रिजर्व ऐड करने का लॉस होगा तो लेस कर, जो इस क्वेश्चन में नहीं है अगला क्वेश्चन में इच्छा पूरा होगा। फिलहाल अभी कैपिटल वही लिख दो जो दिख रहा है। हाँ यहाँ लिखो 2 लाख, शर्मा का कैपिटल अभी बारीक बारीक लिखो, एडजस्ट करो, इसका है 1,20,000 और कर्मा का है 40,000। तो ये अभी हम बेटा हमने क्या लिखा, सबका ओपनिंग बैलेंस लिखा। कौ मारा करो, कौ मारोगे तो पढ़ने को ईजी गिरेगा, अगर कम जगह है तो थोड़ा टेढ़ा लिखो। तो फर्स्ट पॉइंट समझ गए सबको, बैलेंस लिखना आपको, यह एसेट साइड वाला, बाकी पूरा अखा लाइबिलिटी है। लेट अस स्टार्ट। याद करो मैंने ऑर्डर बताया था, सबसे पहला किसका पैसा देने का, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देना है, लेकिन पैसा तो 1000 रुपये है और रियलाइजेशन एक्सपेंस का पैसा कितना देखो 600, वो तो नहीं दे सकते हैं, तो कंट्रोल थोड़ा पैसा आने दो फिर हम पे करेंगे। तो लिखो फर्स्ट रियलाइजेशन, लिखो फर्स्ट रियलाइजेशन, पहला बार कोई एसेट बिका था तो हमें कितना पैसा मिला था, 1,20,600 मिला था, 1,20,600 मिला था बेटा। इसको इसमें सुनो ना, अंडरलाइन में तो केवल इतने अंडरलाइन मारो, कैश वाले को इतने अंडरलाइन मारना, प्लस करो, पहले से अपने पास 1000 रुपया है और हमें 1,20,600 मिला तो प्लस करो, तो हो गया 1,21,600 हो गया बरूबर। मैं पूछ रहा हूँ बेटा क्या इसमें से अपन 1600 दे सकते हैं वो आदमी के लिए रखें, रियलाइजेशन निकाल सकते हैं ना, तो लिखो लिखो फर्स्ट लेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पैसा अपन साइड में निकाल के रख देते हैं, 1600 रुपये तुरंत निकाल देंगे उसमें से, बहुत जल्दी पेपर भरता है क्योंकि वर्टिकल सॉल्व होता है। 1600 रुपये अपन निकाल दिए, मन में याद देखो 1600 रुपये साइड में रखे, अभी कितना पैसा बचा 1,20,000 बचा है। अब हमारे पास मजबूत पैसा है, पैसा वाले हो गए हम लोग, अमीर है, तो 1,20,000 बेटा हमारे पास है। जरा बताओ मेरे को, पहला तो इन तीनों को देना क्योंकि ये भी अनसिक्योर्ड, ये भी तीनों एक जैसा ही लोग हैं, तो ये पहला प्लस करो, इनको देना कितना है, 80+60+60 कितना देना है, 2 लाख बेटा। 1,20,000 हमारे पास है, हमको देना 2 लाख, दे सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन कुछ तो दे सकते हैं, कुछ तो दे सकते हैं, जो है वो तो दे सकते हैं। बोलो मांग रहे 2 लाख, लेकिन 2 लाख नहीं, लेकिन अभी मेरा परिस्थिति जितना उतना तो लेके जाओ, काम चलाओ। तो एक काम करेंगे हम लोग, ये 1,20,000 को बांटेंगे, इन तीनों में बांटेंगे, तो कैसे बांटने का, मारा पीटी ना हो, मर्डर ना हो, ये रेशो पकड़ने का 8:6:6, ज़्यादा सोचने का नहीं, छोटा करते नहीं, 2 का टेबल में जाता है। तो चलो पे करते हैं, हम लोग पे करेंगे इनका पैसा, तो लेस लेस पेड, कैसे पे करेंगे, तीनों को देंगे, लिखो 8:6:6 का रेशो में बांटेंगे, वही लिखो, मेरे को मान लो 2 का टेबल में जाता है, ज़्यादा छोटा नहीं करने का, यही रखने का ताकि कन्फ्यूजन ना हो अपने को। तो 1,20,000 को इसका बेस क्या रहेगा, 20 होगा, 6+6=12, तो लो कैलसी लो 1,20,000 लिखो, 120 हम पूरा बांटने जा रहे हैं, बिल्डिंग पे से खड़े होकर पूरा उड़ाएंगे तीनों के ऊपर, तो 1,20,000 से तीनों जन बांट के ले लेंगे तो पैसा नील हो जाएगा, लेकिन इस 120 को बांटो, 1,20,000 लो कैलसी लो सब बच्चे लो, 1,20,000 इंटू 8
डिवाइड बाय 20, आंसर आता है 48,000। तो इसको हम इसके सामने लिखो, नजर के सामने, जिगर के पास, बराबर इसके सामने लिखते जाने का, वही लाइन में, यहाँ इसको मिलेगा 48,000। वापिस इसको 6/20 करो, 1,20,000 का 6/20, 1,20,000 का 6/20, तो इसको मिलेगा 36,000 बेटा, और इसको मिलेगा 36,000। जब जब किसी का पैसा दोगे ना, सुनो, जब जब किसी का पैसा दोगे तो फिर अभी अंडरलाइन मारने का, पूरा अंडरलाइन मारना लास्ट तक, पेज मत फाड़ देना, पूरा अंडरलाइन मारो लास्ट तक। जब जब किसी का पैसा दोगे पूरा अंडरलाइन मारना। तो मुझे बताओ अभी पैसा पार्टनर को दिया क्या हमने? पार्टनर को दिया क्या? यस और नो? नहीं दिया तो डैश डैश कर दो। पार्टनर का नंबर अभी नहीं आता, पार्टनर का नंबर तो लास्ट में आता है। अब आपको बताओ, यहाँ देखो 80 में से 48 दे दिया, कितना बचा इनको देने का? माइनस करो 80 माइनस 48, 32,000 इनको देने का बाकी। बेटा अपन किसी का पैसा देंगे, दोस्त से पैसा लिया तो अपन हिसाब किताब करेंगे ना, ये तेरे से 2,000 रुपया लिया था, तेरा 1,200 रुपया दिया था उस दिन मैंने, तो अपन हिसाब किताब करते हैं ना, वैसे हमें हिसाब किताब रखना है। बिल्स पेबल का 60 था, 36 दे दिया, और कितना इनका देना बाकी है? 24,000 दे, हाँ इनका भी देखो सेम 24,000 देना बाकी है, और इनका भी दिख दे, डिटू छाप दो, क्योंकि इनको तो फूटी कवड़ी नहीं दिया, तो एज इट इज लिख दो इनका, सब लोग साथ में चलेंगे, लेकिन पैसा उसी को मिलेगा जिसका नंबर आया पहले। अभी आपका नंबर नहीं आया, श्रद्धा और सबरी रखो, यहाँ तक समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया, अब आ जाओ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अभी आप चाहे तो लाइन छोड़ सकते हो, नई लाइन छोड़ने का वैसा भी अच्छा दिखता है, बहुत सारा लाइन छूटा है बीच में, लिखो सेकेंड, एक लाइन छोड़ सकते हो आप, सेकेंड रियलाइजेशन, सेकेंड रियलाइजेशन। बताओ सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना मिला है? सर्च करो, 1,00,000। बस लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए रुकना, लास्ट इंस्टॉलमेंट थोड़ा झोल रहता है, तो लिखो 1,00,000 मिला है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1,00,000 मिला है। अब जरा ध्यान देना, मैं बोला ना जब तक इनका पैसा मिलेगा नहीं, ये लोग हिल नहीं रहे, इधर ही खड़े हैं, बोलते हैं हमारे जात वाले चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, तो ये तीनों अभी भी खड़े हैं। अच्छा चेक करो इन तीनों को कितना पैसा देना बाकी, तभी इन तीनों भागेंगे इधर से, प्लस करके देखो 32, चेक करो 32 + 24, हाँ तो अभी जरा चेक करो क्या आपके पास 80,000 है क्या? हाँ. है ना, दे सकते हैं ना, अगर ये 80,000 इनके मुंह पे फेंक के मारेंगे तो तीनों भाग जाएंगे इधर से, तो चलो 80,000 दे डालते हैं, तो लेस, केवल 80 देने का, 80 देंगे इससे हम, ये लोग भाग जाएंगे इधर से, तो लेस, हाँ नहीं नहीं नहीं, पेड पेड टू क्रेडिट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिख देना, अनसिक्योर्ड, पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये सब अनसिक्योर्ड ही है, तो लेस 80। कुछ लोग डाउट करते हो 80 क्यों दिया आपने, पूरा 1,00,000 क्यों? अरे बेटा जितना चाहिए उतना ही देंगे ना। तो सुनो अभी इसका रेशो नहीं करना, अगर तू रेशो करोगे वे तभी भी वही आएगा, जादू 80,000 को भी वही रेशो बांटेंगे, 8:6:6, आंसर वही आएगा, आप मेरा बात मानो, सीधा सीधा लेस कर देना, 32 दे दो, तभी मैं करके दिखाता हूँ, 24 और 24 पे कर देने का। चलो चेक करते टाइम प्लस टाइम प्लीज, लो कैलसी लो, 80,000 लिखो, 80,000 इंटू 8/20 करो, देखो आया 80,000 × 6/20, देखो 24,000 आया, तुम नहीं करो तभी भी चलेगा, डायरेक्ट पे कर दो। अब इनको नहीं पे किया क्या? चलो अभी अंडरलाइन मार, तो पूरा अंडरलाइन मारने का, अंडरलाइन मार, तो ये साइड का पूरा, ये लाइबिलिटी साइड पूरा अंडरलाइन मारने का, हाँ हो गया। अब मुझे बताओ कैश कितना बैलेंस बचा है? 1,00,000 में से 80 दे दिया, अभी भी 20,000 बचा है सर, हाँ 20,000 बचा है, ये इनका नील हो गया, इनका नील हो गया, इनका नील हो गया, वाओ लाइबिलिटी खत्म, अपना लाइबिलिटी अपना खत्म हो गया। लेकिन अभी हम पे करेंगे बेटा पार्टनर्स को, अब आएगा मजा। तो पहले नाम लिखो, किसको किसको कितना देना है, इसको 2,00,000 देना है, इसको 1,20,000 देना है, इसको 40,000 देना है। अब आप पार्टनर में झगड़ा है कि पार्टनर में पहला कौन लेगा, अब जब पार्टनर में डिसाइड होगा तो बेटा यहाँ देखने का, ये वर्किंग देखने का, इसीलिए हमने पहले वर्किंग किया था। तो पहले किसको पे करेंगे? शर्मा जी को। शर्मा जी बोले जब तक हमारा 20,000 नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। तो चलो अभी आप चेक करो कि आपके पास 20,000 है ना, तो शर्मा जी को दे के निकाल देते हैं। तो लेस लिखो, नाम लिखने का, पेड टू शर्मा, नाम लिख के गाली देने का, पेड टू शर्मा, शर्मा को पे करेंगे, शर्मा को सीधा सीधा 20,000 रुपये दे देंगे, तो 20,000 गायब हो जाएगा, कैश खत्म हो गया अपना।
सीधा सीधा शर्मा में लेस करना, पता चला किसी ने धक्का मारा कर्मा में लिख दिया, शर्मा में लिखे। अब सुनो, जब जब ये अंडरलाइन मारो, अभी चलो बड़ा मस्त दिखता है अंडरलाइन पूरा अखा मारने का, पता चला अंडरलाइन मार के बाइजल का बुक में चले गए। अंडरलाइन मारो, बेंच पे मत अंडरलाइन मार देना। अब बताओ मुझे ये लाइबिलिटीज भूल जाओ, अभी डैश करने जरूरत नहीं, अभी बस कैपिटल सोचो। इसको 2 लाख देने के बाद फूटी कवड़ी नहीं मिला, तो इसका एज इट इज 2 लाख, टुकुर टुकुर देख रहे अपना नंबर कब आएगा। मैं बोला हर कुत्ते का दिन आता, आएगा टाइम आएगा। 1,20,000 में से 20 निकाल दो, इसका 1 लाख, और इसको भी कुछ नहीं मिला तो 4 लाख, 4 लाख। मैं जरा ऑर्डर साइड में लिख देता हूँ, बीच में आ रहे लोग, हाँ यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ पेमेंट टाइम प्लीज। हाँ तो पहला अपन पे करेंगे शर्मा को, शर्मा को देना है 20,000, मैं अपने डायरी में लिख के रखा हूँ, बाद में पे करूँगा पंडित को और शर्मा को पे करूँगा। कितना कितना पे करूँगा, 40,000 पे करूँगा और 20,000 पे करना है। और तीसरा पंडित शर्मा और कर्मा को पे करेंगे 4:2:1, ये मैं साइड में लिख के रखा हूँ, बीच में आ रहे थे। चलो इधर देखो अभी, अच्छा अभी हमने कौन सा वाला ऑर्डर फुलफिल किया, फर्स्ट, तो जो हो गया ना उसको राइट कर देना, हो गया। शर्मा को फिर से मैं नहीं देगा, राइट कर दो, हो गया। अब मुझे बताओ बेटा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया, इधर देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया, सेकंड हो गया, अब लिखो थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन चेक करो कितना मिला, 1,58,000 मिला है, 1,58,000 मिला है। अब 1,58,000 को बांटना है, रुको पैसा है तो किसी को नहीं बांटने का, सोच समझ के बांटने का ऑर्डर। तो इधर देखो मैंने लिखा था ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। अगला हम पे करेंगे पंडित और शर्मा, आ जाओ फटाफट। पंडित के हाथ में देंगे 40 और शर्मा के हाथ में देंगे 20। दिमाग चलाओ, 40 और 20 कितना होता है, 60, तो 60 देना है तो हम 60 निकालेंगे, जितना देना है उतना ही पैंट में से निकालने का, पूरा निकाल के सामने नहीं रख देने का। तो लेस, नाम लिखो किसको पे कर, लेस पेड टू पंडित एंड शर्मा को पे किए, दोनों मिला के 60 होता है बेटा, तो 60,000 लेस करो और पंडित में से लेस करो 40,000, बराबर लाइन में लिखना, और शर्मा में से लेस करना 20,000। कर्मा कुछ नहीं मिला, टुकुर टुकुर देख रहा था। अब अंडरलाइन मारो तो पूरा अंडरलाइन मारो, अंडरलाइन मारो तो पूरा अंडरलाइन मारो, पेंसिल रखा रहो अंडरलाइन मारो तो पूरा अंडरलाइन मारो, अच्छा प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए, पेंसिल से लाइन ड्रॉ करो। आगे बढ़ते हैं, मुझे बताओ कैश कितना बचा अपने पास, बरोबर 98,000 बचा है। पैसा बहुत संभाल खर्चा करें, शेयर मार्केट में ना लगाएं, नहीं तो मेरे ऐसा लॉस होगा, फिर 98,000। अब आ जाओ इधर, 2 लाख था इनका लेटेस्ट, 2 लाख है, 40 ही दिया हमने उनको, तो अभी 1,60,000 देना बाकी है। ये लोग अपना पैसा लेने के लिए खड़े हैं, 1 लाख देने का था, 20,000 ही मिला, अभी 80,000 इनको देना बाकी है, एंड द लास्ट इनको कुछ भी नहीं मिला, तो 4 लाख एज इट इज लिख दो, 4 लाख एज इट इज लिख दो। यहाँ तक आगे 98। अब मुझे बताओ, हमने ये वाला भी कंडीशन फुलफिल किया बेटा, राइट करो, ये वाला भी ऑर्डर फुलफिल किया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकेंड हो गया, पूछो। वो 4 लाख नहीं है। हाँ चलो सर, हाँ मैं एक अंडा ज़्यादा हो गया, ओके 40,000। मैं तो देख रहा था आपको चश्मा तो नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर पूछेंगे ये कहाँ से आया सर, ठीक है गुड क्वेश्चन आंसर, 40,000 हमारा गलती। यहाँ तक हो गया बेटा, ये देखो इनका इच्छा पूरा किया, इच्छाधारी नागिन थे लोग, इनका भी इच्छा पूरा किया। अब आ जाओ तीसरा, जब आप तीसरा पूछते हो अभी सोचने का नहीं, अभी कितना भी पैसा मिलेगा तो रेशो में बांट के लेने का, कौन सा रेशो में, 4:2:1, क्योंकि अपन लास्ट स्टेज पे पहुंचे हैं। तो आ जाओ अभी हमारे पास कितना पैसा है, 98,000। अपन थर्ड स्टेज पे पहुंचे हैं, अब कुछ भी पैसा मिलेगा ना उसको इस रेशो में बांटने का, तो लिखो लेस पेड टू ऑल, लेस पेड टू ऑल, रेशो लिखो ब्रैकेट में 4:2:1 का रेशो में बांटने का। एक आपको जादू बताऊं, इधर देखो इसका रेशो चेक करेगी ना तो वही आता है 4:2:1, देखो 4 का टेबल में 4 4 16 4, ये इसी को बोलते हैं एक्सिस कैपिटल, ये ट्रिक रहता है, लास्ट में वो रेशो में बन जाता है, इसीलिए 4:2:1 ही आता है वेरिफिकेशन। तो 98,000 बेटा पूरा बांट देंगे, नील हो गया, 98,000 को बांटोगे तो चलो बांटो, 98,000 इसका बेस रहेगा 4 5 6 7 7 रहेगा, तो 98,000 × 4/7 करो, आंसर आता है 56,000, बरोबर इसको 56,000 मिलेगा।
नेक्स्ट 98,000 इंटू 2/7 करो 28,000 और 98,000 इंटू 1/7 करो 14,000। अंडरलाइन मारो तो पूरा अंडरलाइन मारो। अब पार्टनर को कितना देना बाकी है, 1,60,000 में से 56 निकाल दो, अब बोलो कितना बचा है? 1,04,000 1,04,000 और इसको देना बाकी है। 80 माइनस 28 52,000 और 40 माइनस 14 26,000। चलो अब आ जाओ लास्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ तक बोर्ड पे आ रहा है। लो लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट रियलाइजेशन देखो कितना हुआ है। लास्ट रियलाइजेशन बेटा हुआ है 55,400। सुनो अभी जरा यहाँ ध्यान देना बेटा, लास्ट है खत्म। फोर्थ रियलाइजेशन कितना मिला? 55,400। रुको, मैंने क्या बोला था एक बात ध्यान देना, यही एग्जाम में आएगा, रेडी रहना, ये वाला पॉइंट एग्जाम में आएगा। सुनना बेटा सब लोग, याद करो आपने पैसा 1,600 रुपये साइड में रखा था, ये तो अंदाजे से रखा था ना। जैसे अपन किधर घूमने जाते हैं तो 1,600 रुपये रखे थे, हम सोचे किधर होटल में खाएंगे खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन जब खा के आए तो 1,000 रुपये ही खर्चा हुआ था, और अपन बहुत ईमानदार हैं, 600 रुपये मम्मी को वापस कर दिए। पढ़ो लास्ट में क्या लिखा है, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेर 1,000 रुपया। क्वेश्चन में देखो लास्ट में, हाँ। रियल में तो 1,000 ही हुआ, अपन बहुत ईमानदार, अपन बाकी पैसा पापा को लाके दे दिए, तो वही बोलता हूँ पैसा दे दो फिर, क्योंकि आपने ज़्यादा पैसा निकाल कर लिया था। तो अभी ज़्यादा कितना है? 600 रुपया। तो लिखो ऐड एक्सिस कैपिटल, ऐड एक्सिस सरप्लस ऑफ रियलाइजेशन, सरप्लस मिला, सरप्लस मतलब कुछ ज़्यादा पैसा था, सरप्लस ऑफ रियलाइजेशन, सुना, सरप्लस ऑफ रियलाइजेशन कितना ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे? 600 केवल। याद है ना, ये पहला और लास्ट का लिंक करता है, पहला इंस्टॉलमेंट में होश में रहना और लास्ट इंस्टॉलमेंट होश में रहना, ये रहेगा, ये पॉइंट बार बार आएगा। यही बच्चे गलती करते, भूल जाते हैं, तो इसको लिखते नहीं है, फिर वो लोग फिर से बुलाते केटी लगा के। तो 600 रुपये कहाँ से समझा, आपने जो 1,600 रुपये लिए थे उसमें से 1,000 ही खर्चा हो, तो 600 बच गया, 600 पार्टनर को वापस कर देंगे, पार्टनर लोग आपस में बांट लेंगे, रस्ते में चाइनीज खाएंगे वो लोग। आगे बढ़ते हैं, अब इसको प्लस करो तो हमारे पास कैश कितना हो गया, 56,000 कैश हो गया हमारे पास, बेटा कैश हो गया 56,000। सुने, 56,000। अब हम कितना बांटेंगे, हमारे पास लास्ट पैसा बचा 56 को बांटो, लेस पेड टू ऑल लिखो, पेड टू ऑल किस रेशियो में बांटेंगे बेटा, 4:2:1 का रेशियो में बांटेंगे, हो गया बांटो 56,000 को। इतना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब जाके अच्छा मार्क्स में, 56 सब में बांट दो तो आंसर आएगा 32,000, 16,000 और लास्ट में 8,000। माइनस करो, एक लाइन छोड़ना लास्ट में, हाँ अब माइनस करो, 1,04,000 देना था, 32,000 ही मिला लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट कितना नहीं मिला इनको, 72,000 नहीं मिला। चलो शर्मा जी को कितना नहीं मिला, 36,000 बेटा, 36 चेक करो, 52 माइनस 16। और सुनो ना, कैलसी फास्ट चलाने के लिए 3-0 मत लिखा करो, 52 माइनस 16 किया करो और जल्दी सॉल्व होगा। नेक्स्ट 26 माइनस 8 18,000। अब मेरे को बताओ बेटा लास्ट आंसर, क्या आपने पास कोई एसेट बचा है? नहीं, सब तो बिक गया, सब बिक गया, लेकिन पार्टनर को पैसा नहीं मिला ना, इसी को बोलेंगे रियलाइजेशन लॉस, लास्ट में लॉस हुआ, लिखो, इसी को बोलते हैं रियलाइजेशन लॉस। हो गया प्रॉब्लम कंप्लीट। अगर प्लस में ये पैसा नहीं मिला इनको, अगर ज़्यादा मिलता तो बोलते थे रियलाइजेशन प्रॉफिट, ये रियलाइजेशन लॉस है। हो गया, अज्यूम करता हूँ लेक्चर समझ में आया। अगला वीडियो में और दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, थैंक यू। वीडियो फ्रेंड लोग से शेयर करें, फ्रेंड एनिमी जो भी रहेंगे।